शानदार गाना आपकी तरफ से, थैंक यू। लगातार गाने आ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे इस गाने को, किस तरह आपने देखा गाना? बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। और ये लोग, ये गाना बहुत ही सिंपल सा गाना है, बहुत ही रिलेटेबल गाना है। स्टेबिन ने गाया बहुत अच्छी तरह से, सारे गामा म्यूजिक पे है। एंड हम लोगों ने कश्मीर में गाना शूट किया है, इनिसी गर्ल है। और उसके यू नो लिरिक्स भी आप देखेंगे जिस तरह से गाया है, कॉम्पोजिशन भी इट्स वेरी वेरी सिंपल। और म्यूजिक वीडियो भी जो आप देखोगे वो भी बहुत बहुत सिंपल है। एंड यू नो कभी कभी कुछ गाने होते हैं जिनको जितना सिंपल रखा जाता है उतना वो रिलेटेबल होता है, उतना वो उनमें रियलनेस होती है। तो इनिसी गर्ल जो है मुझे लगता है कि सबको पसंद आएगा, बड़ों को भी और छोटों को भी, जिसने भी कभी प्यार किया है उनको अच्छा लगेगा। सो या आई थिंक अगर आप लोगों को पसंद आया तो इट्स बिकम करण जी, व्हाट डू वांट टू से अबाउट द पेयरिंग यू स्टेबिन और तेजस्वी जी को, हमने मिस किया, लोगों ने फैन थे, आपने कितना मिस किया? ट्रायो इज वेरी ग्रेट। आई थिंक या सी स्टेबिन और मैं जो है वो काफी पुराने दोस्त हैं और हमने सोचा था कि हम एक साथ करेंगे कुछ और वो अपने आप ही होता गया, यू नो आई थिंक कभी कभी जो चीज मांगते हो मिल जाती है, तो टच वुड दैट हैपेंड। एंड यू नो वहाँ पर ऐसा था कि नेटवर्क नहीं था, तो जब आप मेरा व्लॉग देखोगे आपको रियलाइज होगा कि हमने कितना मिस किया तेजू को, कितना मिस किया करेक्ट। सो यू नो इट वुड बी नाइस कि अगर हम इकट्ठे जाते कश्मीर में शूट करते, बट यू नो इट वॉज इतना आसान नहीं है यू नो इतनी दूर जाके यू नो शूट करना, बट हमने किया। हम चाहते थे कि हम कश्मीर में शूट करें, हम चाहते थे कि यू नो वो वादियाँ और वो जो खूबसूरती है वो वापस आए। So I think we are very happy with the art. Do you think independent music is the best way to express your love to loved ones? I think you don't need anything to express your love to your loved ones. अगर आप उनका ख्याल रख रहे हैं तो you know छोटी सी छोटी चीजों में भी आप अपना प्यार इजहार कर सकते हैं, बस इतनी सी गल्ल है। करण जी ऐसी काफी चर्चा आ रही है, you and Tejaswi are going to go in the Big Boss house. Would you like to say something? हाँ क्या पूछ रहे थे आप? भाई हाँ तेजा जी का मूवी का ट्रेलर लॉन्च भी हुआ। जी 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 आज कुछ बता दो। मैंने देख लिया। कैसा लगा आपको? कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। और यू नो जिस तरह से एडिट हुआ है, जिस तरह से वो आया, सरप्राइज होने वाले हैं सब, बहुत अच्छा है। आज शाम को है। देखो यूक्रेन रशिया तो यही चल रहा है, सही मौका तो नहीं है, लेकिन आपको ऐसा मालूम है कल वैशाली ने सुसाइड किया, बहुत ही दुख की बात है पूरी इंडस्ट्री के लिए, खासकर जब लव ऐसा सिचुएशन होता है, जब हार्ट ब्रोकन मोमेंट होते हैं, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, क्योंकि सुसाइड करने से कुछ आपका सॉल्यूशन निकलता नहीं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। आई थिंक यू नो हम पिछले 3-4 साल से इस सिचुएशन से यू नो वी बीन गोइंग थ्रू इट। द फैक्ट इज कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे वक्त जो है उसे यू नो सॉल्व नहीं कर सकता है, उसे ठीक नहीं कर सकता। यू नो यू जस्ट हैव टू बी स्ट्रांग, टाइम्स आर नॉट द बेस्ट यू नो, और स्ट्रेस बहुत है, बट एक बात हमेशा याद रखना कि आपको भगवान ने यहाँ भेजा है, आपके पेरेंट्स हैं, आपको चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, उनके बारे में सोचो। स्ट्रेस है बट वक्त हर चीज को ठीक कर देता है। सो बी 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 स्ट्रांग। कुछ बातचीत या फिर उनसे कभी कुछ बातचीत आपकी हुई नहीं टच पे? नहीं, आई नो। लास्ट सवाल मेरा, इसके बाद कौन सा गाना आने वाला है फटफट हमारे दर्शकों का? इसके बाद अभी देखना पड़ेगा, इसके बाद देखना पड़ेगा। आपका ट्रेलर कब आएगा? आपका ट्रेलर कब आएगा? मेरा ट्रेलर तो अभी बन रहा है। चलिए थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव, थैंक यू फॉर वॉचिंग इनिसी गर्ल ऑन सारेगामा, और आप लोगों का कि आप लोग यहाँ पर आए। हमें जो पिछला अवार्ड मिला था, मैं एक बार दोबारा कहना चाहूँगा कि वो आप लोगों की वजह से, आप लोगों ने हमें सेंसेशन बनाया, नहीं तो इतना आसान नहीं था। सो नो या थैंक यू सो मच, बट ये जो है आप लोग हैं, आपकी वजह से हम हैं। थैंक यू थैंक यू।